मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन 6 पाठ क्रमांक 6 आय सखी। यह एक क्या है, पहेली है यानी मुखरियाँ। इसके कवि हैं अमीर खुसरो। पहले हम इनकी जीवनी देखेंगे अमीर खुसरो की, तो आइए परिचय पढ़ते हैं इनका। इनका जन्म जो है 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी कहाँ हुई, कितने में हुई, 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। परिचय है इनका, इनका पूरा नाम जो है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। जनसाधारण में क्या कहा जाता था, जनता में मतलब लोग इन्हें क्या कहते थे, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पहले व्यक्ति थे, ये क्या थे, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा था। अमीर खुसरो अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। यह वीरगाथा काल के भी क्या हैं, एक कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं तोहफा, तुष शिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियाँ, उलटबासिया आदि। ठीक, ये इनकी क्या हैं, प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे पद्य संबंधित मुकरियाँ। या मुकरियाँ क्या है, यह एक पहेली ही होता है, पहेली का ही रूप होता है। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। विशेष शैली में जो है कि इन्होंने अपना ये पहेली बुझाई है और उसके उत्तर भी दिए हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे आय सखी पहेली। मुकरियाँ यह क्या होती है, देखिए मुकरियाँ पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि चातुर मतलब व्यक्ति के जो जो चलाक व्यक्ति होता है उसकी परीक्षा ली जाती है कि कितना मतलब यह चलाक है। व्यक्ति का जो है दिमाग की परीक्षा ली जाती है और वह ऐसे पहेली बुझा करके कि कौन मतलब व्यक्ति ऐसा है जो इस पहेली का सही अर्थ बता सके। तो वही जब पहेली बुझाने के बाद जो सही आंसर दे देता है, अर्थ बता देता है, मीनिंग्स बता देता है कि इस पहेली का अर्थ यही होगा, तो वह क्या होता है, बुद्धि से तेज होता है, चातुर्य होता है, चालाक होता है, तो उसी की यह परीक्षा ली जाती है। तो इसमें कवि जी क्या किए हैं, अमीर खुसरो जी, उन्होंने भी ये प्रस्तुत पद्य जो पाठ में जो है कि 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की है और इन सभी मुकरियों का उत्तर किससे हो रहा है, जैसे एक मुकरियाँ पढ़ने के बाद स्पष्ट हो रहा है, जैसे लग रहा है कि यह साजन ही होगा, लेकिन इसका साजन अर्थ नहीं हो रहा है, इसका अर्थ कुछ अलग है। आंसर कुछ क्या है, उत्तर अलग है। साजन एक भ्रमित मतलब भ्रम करने के लिए वह साजन का इसमें प्रयोग हुआ है। नायिका इसमें देखिए नायिका है और उसकी सखी है, तो नायिका बहुत चतुराई से उसके उत्तर देती है, इससे पाठक के मन में कुतूहल होता है, यानी वह मन में क्या है, उत्साह होता है, मतलब खुशी होती है पाठक के मन में जो पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अच्छी है यह मुकरियाँ जो है, अच्छा अच्छी है। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। अब देखो नायिका अपने सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे आते हैं, रात के समय वह मेरे आवे, रात के समय वह क्या करता है, मेरे पास आता है, और भोर भय वह घर उठ जावे, वह
तड़के मतलब सुबह उठ करके क्या करता है वह घर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। अचरज मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। यह एक सबसे अलग ढंग का ये अचरज है, आश्चर्य है, सबसे न्यारा है। सबसे न्यारा मीन्स क्या? आश्चर्य है, अलग है। ऐ सखी साजन, उसकी सखी पूछ रही है कि क्या इसका उत्तर साजन है, तो वह नायिका बहुत चातुर्य से कहती है, ना सखी तारा। इसका आंसर क्या है? अर्थ होगा, उत्तर होगा कि वह तारा है। आप लोग जो देखते हो ना कि रात के समय वो आकाश में क्या करता है, आ जाता है, छा जाता है, और जैसे ही सुबह होता है वह क्या गायब हो जाता है। तो ये अचरज की तो बात है ना, दिन होता है तो वह नहीं दिखता है और रात में फिर वैसे ही अपनी चांदनी लेकर के और टिमटिमाते हुए तारा जो आकाश में दिखने लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वही वह कह रही है उसकी सहेली। अब देखिए दूसरा, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। अब देखिए, वह आवे तब शादी हो, इसे स्पष्ट हो रहा है ना कि साजन लड़का रहेगा तो तभी तो लड़का का शादी लड़की से होगा। लड़का यदि गया ही नहीं तो किससे शादी होगा? मंडप में यदि लड़का न हो या शादी के लिए जाते हैं वर पक्ष, तो वर पक्ष में यदि दुल्हा ही नहीं रहेगा तो शादी होगी किससे? शादी होगी। तो ऐसे तो दिखने में लग रहा है कि मतलब इसका आंसर साजन ही होगा, लेकिन नहीं है, यह अलग है। तो इसको समझने, बहुत बारीकी से समझने का वो कोशिश करिए। और इसमें दिया भी आंसर है, वह आवे तब शादी हो, वह जब आएगा तभी शादी होगी, उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन और कोई नहीं रहता है। यानी नायिका कहती है कि उसके आने पर ही शादी होती है, उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ मतलब कोई किसी को पूछता उछता नहीं है उसके बिना। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। उसके स्वर क्या लगते हैं? मीठे लागे वाके बोल, बोल वाके मीन्स उसके, बोल मीठे मतलब मधुर लगते हैं। ठीक, तो सखी बोलती है, ऐ सखी साजन। सखी कहती है, क्या सखी ये साजन है? तो नायिका कहती है, डांस सखी या ढोल है। ढोल जानते हो ना, ढोल जब बजती है तभी शादी होती है। ढोल नगारा न बजे तो शादी का कोई रौनक ही नहीं रहता है, कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब तीसरा देखिए, जब मांगू तब जल भरे लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। अब ये कवि अमीर खुसरो बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब मांगू तब जल भर आवे। नायिका कह रही है कि जब मैं मांगू तो जल भर के लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की गर्मी को क्या करता है? बुझाता है। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगू, जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह क्या लाता है? पानी भर लाता है, पानी भर के लाता है। वह मेरे मन की गर्मी को शांत करता है, यानी बुझाता है। उसका दिल बहुत बड़ा है। उसका दिल क्या है? मन का भारी। मन का भारी मतलब दिल का वह बहुत बड़ा है, भारी में वजनदार नहीं, बड़ा है। तन का छोटा, लेकिन उसका शरीर क्या है? बहुत छोटा है। तो उसकी सखी पूछती है, ऐ सखी साजन। सखी कहती है कि क्या मतलब ये साजन है? तो नायिका कहती है कि ना सखी, यह क्या है? यह लोटा है। क्या है? लोटा है। जानते हो ना, लोटा में पानी भर के लाते हैं और पीते हैं तो सबके मन को शांत भी करता है, शीतल देता है, देता है ना। तो वो क्या है? तन का छोटा ही रहता है, लेकिन मन का बहुत, और मन का क्या होता है? बड़ा होता है। उसको पीने के बाद वो सबकी प्यास को बुझाता है ना। अब देखिए तीसरे नंबर पर,
बेर बेर सोवा तही जगावे, मतलब बेर बेर मतलब बार बार सोते समय क्या करता है, जगाता है। ना जागू तो काटे खावे, नहीं जागती हूँ तो क्या करता है, वो काटता है मुझे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मतलब व्याकुल के मारे क्या हो जाती हूँ मैं क्या करती हूँ, वो जो है नायिका कहती है कि वह जब बार बार मुझे सोते समय जगा देता है तो यदि मैं नहीं जागती हूँ तो वो क्या करता है, मुझे काटता है। इससे मैं विकल हो जाती हूँ, मतलब घबरा जाती हूँ और आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तो नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या सखी, वे साजन हैं? तो नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, यह मक्खी है। क्या है ना सखी, मक्खी है ना। तो देखो अभी तो सोते समय परेशान कर दे, यदि मक्खी काटती है तो नींद भी नहीं लगती है, एकदम व्याकुल हो जाता है मन, है ना। तो अब फोर्थ पर देखिए, फिफ्थ पर देखिए, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। अति माने बहुत, सुरंग में सुंदर रंग वाला, और रंग रंगीला मतलब बहुत सुंदर रंग रंगीला वाला है। है गुणवंत मतलब वह बहुत गुणी है, गुणवान है। बहुत चटकीलो मतलब भड़कदार, चटकीले कलर का। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। वह कहती है कि नायिका कहती है कि वह बहुत सुंदर रंग वाला है, रंग बिरंगा रंग बिरंगे रंगीला होता है, वह बहुत गुणवान होता है और उसका रंग जो है कैसा है, बहुत चटकीला यानी भड़कदार जैसे। और रात को क्या करता है, बिना राम का भजन किए बिना सोता भी नहीं है। तो सखी उसकी बोलती है, क्यों सखी साजन, मतलब क्या साजन है। वो बोलती है, नहीं सखी, ये तोता है। तोता देखते हो ना, जो बता दो उसको रटेगा। तो रात को तोता राम 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 भजन करके ही सोता है। उसका रंग भी देखते हैं कैसा भड़कदार होता है, चटकीला होता है, सुंदर लगता है उसका जो, और मुख कितना अच्छा कलर का रहता है। तो अब देखिए सेवंथ पे, अर्ध निशा व आयो भवन, अर्ध निशा वह आयो भवन, अर्ध निशा मतलब आधी रात को वह आयो भवन, मीन्स भवन यानी घर पर आता है। सुंदरता बरने कभी कौन, और कह रही है नायिका कि सुंदरता, उसकी सुंदरता की बखान, बरने मतलब कौन कभी वर्णन करे। ठीक, वह कह रही है कि नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया और वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। ठीक, उसे देखते ही मेरा हृदय क्या हो जाता है, आनंद, निरखत ही मन भयो आनंद। और उसको देखते ही निहारते ही मेरा मन क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है यानी खुशी से झूम उठता है। ठीक, और तब वह कहती है सखी, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो सखी पूछती है कि यह साजन है, तो नायिका कहती है नहीं, यह तो चंद है। चांद हमेशा आधी रात को ही आता है, अर्धनिशा में जब आता है तो कितना अच्छा लगता है, और कोई वर्णन नहीं कर सकता है चांदनी रात का, चंद्रमा का, चंद्रमा के प्रकाश का कोई कर सकता है, बहुत सुंदर लगता है चांदनी रात, है ना। तो उसी समय का यह है, चंद का है वह पहेली है। अब देखिए, शोभा सदा बढ़ावना का हारा, आँखिन में छीन हो तन न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन,
क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अंजन मिस क्या होता है? अंजन मिस होता है काजल, जो आंख में लगाया जाता है वह काजल होता है। तो शोभा सदा बढ़ा मनहरा, उसको काजल को एकदम जब आंख में लगाते हैं तो शोभा सुंदरता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। तो अखियन में छिन होत न्यारा, और थोड़ी भी दूर मतलब आंखों से दूर नहीं होता है कभी वह काजल जो है, आंखों से दूर नहीं होता है। यानी नायिका कह रही है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, उसको लगाने के बाद शोभा में क्या होता है, वृद्धि होती है। वह आंखों में एक क्षण के लिए भी आंखों से दूर नहीं होता, ठीक। वह आठों पहर मेरे मन को क्या करता है, प्रसन्न करता है। तब उसकी सखी पूछती है, ऐ सखी साजन ना सखी अंजन। यानी साजन नहीं है, यह क्या है, काजल है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, मतलब वह क्या करता है, प्रसन्न रखता है आंखों, उसके मन को हमेशा प्रसन्न रखता है काजल। अब देखिए, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। करें जीवन सब जग जासो कहें, मतलब जीवन का आधार क्या है, नीर मिस होता है पानी, जल। नीर जो है पानी की परिभाषी है, तो वह जल जो है सबके जीवन का आधार होता है। सब सारा जग मतलब जल के बिना नहीं रह सकता, जल से ही जीवन है। तो वह कह रही है नायिका कि, नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है, यानी जल के कारण ही है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। यदि प्यास लगी है, प्यास नहीं बुझी, तो कोई व्यक्ति क्या धीरज रहेगा, सही रहेगा आ? तो क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है पानी। उसकी सखी पूछती है, तब क्या पूछती है, क्या वह साजन है? तो वह कहती है, नहीं वह साजन नहीं है, वह नीर है, ना सखी नीर, यानी यह पानी है। पानी जानते हैं आप लोग इसकी विशेषता, कि जल है तो कल है, कल है तो अर, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। पूरी पृथ्वी जो हमारी क्या है, जितने हमारे पृथ्वी में, पृथ्वी पर पेड़ पक्षी पौधे पशु जितने भी हैं, जीवन है, कीट पतंगे सबको जल चाहिए, ठीक। तो जल ही जीवन का आधार है, जल नहीं मिलेगा तो हमारे प्राण भी नहीं बचेंगे, ओके। तो अब लास्ट वाला देखिए आप लोग, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। अब देखिए यहाँ नायिका कह रही है कि पाती, पाती मीन्स क्या होता है, पाती की परिभाषी है पत्र, पत्र बोलते हैं। तो बिन आए सब ही सुख भूले, जब तक वह नहीं आता है तो सब सुख मैं भूल जाती हूँ। नायिका कहती है ना कि जब वह नहीं आता है तो कोई सुख मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी सब सुख मुझे दुख जैसे लगते हैं। सभी सुख मैं क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ, और जब आ जाता है तो मेरा शरीर के सभी अंग, मेरे जो शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, अंग अंग सब फूले, मतलब पुलकित हो उठते हैं। फूले में खुशी से वह फूल उठते हैं, पुलकित हो उठते हैं, मतलब उमंगित हो उठते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाते हैं। देखो सिरा भई लगावन, सिरा मिस होता है शीतल ही होगा। उसको जब लगाते हैं छाती से, हृदय से, तो हमारी छाती क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है। हृदय मेरा हमारा क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। उसकी सखी तब पूछती है कि क्यों सखी साजन, वो कहती है क्या वह साजन है, तो वह कहती है नहीं ना सखी पाती, यानी यह क्या है, पत्र है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये लेसन सिखा दिया।
सिक्स्थ लेसन है सखी। और इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में जो है आपको लिखना है, निम्नलिखित पद्यांश मुखरियां पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करना है। आकृति पूर्ण कीजिए, नंबर वन पर है तारे का आने जाने का ढंग, ठीक। दूसरा है ढोल का गुड़। तीसरा है लोटा होता है ऐसा, कैसा होता है लोटा। मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखिए। देखिए दो विशेष है ना, तारा है, लोटा है, ढोल है, इन सब की क्या लिखना है, विशेषता लिखना है, शब्दों की विशेषता लिखना है, ठीक। ये आपका है। और इधर से मैं एक और दे रही हूँ आप लोगों को, कि इधर है एक, निम्नलिखित पद्यांश मुखरियां पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें दूसरा है या आकृति पूर्ण कीजिए, जिसका नेत्रों में बहुत गहरा रिश्ता हो, जिसका। फिर दूसरा है 3 घंटे के समय के लिए जिसका प्रयोग होता है, वह शब्द है जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं हो रहता, ये आपका है। और ये इधर है, इसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखिए, अंजन, नीर, पाती। ये आपका जो है, मैं कितना दी हूँ, 2 आकृति पूर्ण करना है और उसमें ए भी मतलब 1, 2, 3 करके है, तो ये सब मिला करके आपका 4 क्वेश्चन है। चारों को कंप्लीट करके आप लोग सेंड करिएगा। ओके, थैंक्स।